नेक्स्ट लाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरार लखनऊ। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन पर सभी की नजरें टिकी है। हालांकि इस गठबंधन को लेकर अब तक दोनों नेताओं में से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इस बात को लेकर अपने फैसले को सामने नहीं रखा है। हालांकि कई बार ऐसे बयान जरूर दिए हैं जिसको लेकर यह आकलन किया जा सकता है, इस तरीके के कयास लगाए जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह राजनीतिक गठबंधन हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको एक बड़ी जानकारी बता दूं दर्शकों कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अगर यह गठबंधन को लेकर के मामला बन भी जाता है तो सीट शेयरिंग पर तो मुद्दा फंसेगा ही। सीट शेयरिंग को लेकर के पहले से ही अखिलेश यादव ने कमर कस रखी है और यही वजह रही कि उन्होंने जो है पल्लवी पटेल तक को 2 से 3 सीटें देने पर अपनी रजामंदी नहीं दिखाई। उसके बाद किस तरीके से वो गठबंधन से अलग होती हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनका गठबंधन होता है, ये चीज़ें सभी आपके नज़रों के सामने हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस गठबंधन के हम जो है सही से बात करें, अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन की, तो इसको लेकर के सवाल कई बड़े हैं, पक्ष कई तरीके से रखे जा रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सफलता मिल सकती है गठबंधन के बड़े नेताओं को, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इसको लेकर के ये बात जो निकल करके सामने आ रही, जो सूत्र बता रहे दर्शकों कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन न होने के बावजूद भी दोनों पार्टियों में नरमी दिखाई देती है, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ उस तरीके से वो बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। और ये होने का मतलब राजनीति में एक ही होता है कि या तो गठबंधन होने वाला है या गठबंधन का मात्र आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।